दोस्तों, इंडिया में लोग कॉमेडी मूवीज या फिर वेब सीरीज देखना बहुत अधिक पसंद करते हैं, जिसे आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 3 कॉमेडी वेब सीरीज, और हमें उम्मीद है इस लिस्ट को जानने के बाद आप इनमें से कुछ ना कुछ वेब सीरीज देखना जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी है ये वेब सीरीज। तो आपको अभी नहीं मरना है। जूते नहीं बेच रहे हैं कि जब मर्जी किया ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और एक बार अगर उपाध्याय ने सोच लिया कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे ही। नंबर 1 पर है परिवार। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि कॉमेडी देखना पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी एक परिवार को दिखाती है, और ये परिवार आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, इस वेब सीरीज को हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जो टोटली कॉमेडी और ड्रामा पर आधारित है, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 7.3 की। जो आदमी अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र नहीं करेगा, बच्चे उसके भविष्य की फिक्र क्यों करेंगे? बेटा, जितना तुमको सपोर्ट किया है ना अपने पिताजी को किए होते, तो वो MLA बन जाते। ऐसा दाने देखे हो, सब जमीन दे दी। हमको चूतिया समझे हो करो। ये सारा जमीन लेकर खुदे सीमेंट फैक्ट्री को दे दो, और हमारे हाथ में आए ठेंगा फाड़ लो जो खाने। नंबर 2 पर है पंचायत। दोस्तों, कॉमेडी और ड्रामा पर आधारित यह वेब सीरीज 3 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था, जो लोगों के बीच आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ग्रेजुएट इंजीनियर अभिषेक से, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया है और गांव के पंचायत का सचिव बनकर लोगों को कंट्रोल करता है। दोस्तों, यह स्टोरी यूपी के एक गाँव की रियल स्टोरी है, जिसे IMDb ने रेटिंग दी है 10 में से 9 की। अरे भैया, हाथ तो धो ले लीजिए। अरे, अपने घर में रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे? अरे, अनजान कहाँ है भाई, ऑफिस का सचिव है, और सबसे बड़ी बात अपने ही कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। नंबर 3 पर है हसमुख। अप्रैल 2020 में रिलीज यह वेब सीरीज क्राइम और डार्क कॉमेडी पर आधारित है। वेब सीरीज की स्टोरी वीर दास द्वारा बनाई गई हसमुख की कहानी के बारे में दिखाती है, जिसका सपना है एक कॉमेडियन बनने का, लेकिन किसी को मारे बिना वह स्टेज पर परफॉर्म कर ही नहीं पाते। या फिर कह सकते हैं वीर दास सिर्फ लोगों को मारते हैं अपना कॉन्फिडेंस पाने के लिए और स्टेज पर अच्छा परफॉर्म देने के लिए। वेब सीरीज बहुत ही मजेदार है, जिसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये देखो क्या पहना है, ये हम आदमी है अलादीन का चिरा। आप हमको रगड़ाएंगे तो हमारी ख्वाहिश पूरी होगी आपके लिए। किलर हो तुम जी, मार ही डालोगे किसी को। सर, आप तो तारीफ भी करते हो तो एकदम कंफ्यूज कर देते हो। देख रहा हूँ।